फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में पहले संघी दिनेश यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सजा सुना दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 150 दंगाइयों के एक मामले में दिनेश यादव को एक मुनव्वरी बेगम के घर में घुस करके तोड़फोड़ करने और आग के हवाले करने के मामले में 5 साल की सजा और उसके साथ ही 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह पहली सजा है जो किसी संघी को दिल्ली दंगों में हुई है। अभी तक इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऊपर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, इससे पहले 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि एक दंगे के ही मामले में, दिल्ली दंगे के मामले में एक शख्स की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को कोर्ट ने जो है जमानत दे दी थी, जिसमें ताहिर हुसैन, जिसका नाम काफी उछला था, उसके साथ साथ 5 और अन्यों को जमानत दे दी गई थी। अब इसमें लगातार जिस तरह से कोर्ट के फैसले कंक्लूजन पर पहुंच रहा है, हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं, दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनको यूएपीए के तहत खासतौर से सिर्फ मुसलमानों को दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया है और उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। कोविड की वजह से लगातार कई बार ये देखने में आता है कि सुनवाई नहीं हो पाती है। इन दोनों खबरों में क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में पिछले महीने अभियोजन पक्ष ने कहा था कि दिनेश यादव उन 150 से 200 बलवाइयों की भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने मनोरी नाम की एक महिला के घर में तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। दिनेश की वकील ने यह बताया कि जेल के अलावा उनके मुवक्किल को 12,000 रुपये का जुर्माना भी भरने के लिए कहा है। शिखा गर्ग ने कहा कि वे जज वीरेंद्र भट्ट के लिखित फैसले का अध्ययन करने के बाद ही अपने अगले कदम के बारे में कुछ कह पाएंगी। शिखा गर्ग ने बताया कि हम कड़कड़डूमा कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील कब दायर करेंगी। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने दिनेश यादव को दिल्ली दंगे में भूमिका के लिए 5 साल की सजा सुनाई। फरवरी 2020 में हुए दंगे के लिए सजा पाने वाले दिनेश पहला व्यक्ति है। दिनेश के पिछले महीने ही एक 73 वर्षीय महिला के घर में लूट करके उसे जलाने वाली दंगाई की भीड़ का हिस्सा होने का दोषी पाया था। उसे 12 दिसंबर 2021 को अदालत ने IPC की धारा 143, 147, 148, 448, 457, 392, 436 में दोषी पाया था। अदालत ने दिनेश को दोषी करार देते वक्त कहा था कि वो दिल्ली के भागीरथी विहार इलाके में 200-300 दंगाइयों की गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा था जिसने वहां दंगे में हिस्सा लिया था। अदालत ने आगे कहा कि गवाहों के बयानों से पता चलता है कि गैर कानूनी सभा में शामिल दंगाई हिंदू समुदाय से थे और वे जिनके घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और जला दिया गया, वे मुस्लिम समुदाय से थे। इस दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे कि उसने दंगे को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। अदालत में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जवाब मांगे गए। एक मौका ऐसा भी हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस एन मुरलीधर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर से यह कहना पड़ा कि जब आपके पास भड़काऊ भाषणों के क्लिप मौजूद हैं तो FIR दर्ज करने के लिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में यह भी कहा गया कि शहर जल रहा है तो कार्रवाई का उचित समय कब आएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एक और अलग मामले में मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शुएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी। मामला 2020 में पूर्व उत्तर दिल्ली के हुए दंगों का था। पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में 6 आरोपियों को जमानत दे दी। इन पर आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने एक मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके परिणाम स्वरूप जलने और चोट लगने से 22 साल के लड़के दिलबर नेगी की मौत हो गई। इसी मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 6 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में हत्या और सबूत छुपाने सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मंगलवार को आदेश पारित करते हुए मुलजिम मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शुएब, राशिद और परवेज की जमानत अर्जी पर आदेश दे दिया। इन सभी पर मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ करने, आग लगाने और मारकाट करने से संबंधित मामले
में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस अग्निकांड में 22 साल के एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई थी। उसकी पहचान फिर दिलवर नेगी के रूप में हुई। बाद में पता चला कि दंगाइयों की भीड़ ने कथित तौर पर उसके हाथ पैर काटने के बाद आग में जलाया था। दिलवर नेगी अगस्त 2019 में यानी दंगे फसाद से 6 महीने पहले ही अपने गृह राज्य उत्तराखंड से रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आया था। उक्त दुकान से दिलवर नेगी का शव बुरी तरह जला हुआ मिला था। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक नफरत में मची हिंसा की आग में 3 दिनों के दौरान कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।